100 डेज गार्डनिंग व्लॉग चैलेंज का ये छठा दिन है। ये DIY खुद ही बनाए थे अपने गार्डन के लिए। कैसा लगा कमेंट करिएगा। यहाँ पे टूल्स से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कल की रिपोर्टिंग के बाद इसे क्लीन करना भूल गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोरी में रखे उस मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट कर दूँगी ताकि रिपोर्टिंग करना आसान हो। 10 मिनट मेडिटेशन भी इसी चैलेंज का एक पार्ट है। चिली के प्लांट को अलग करके मिली बग्स से छुटकारा दिलाया और वापस इसे उसी पोजीशन पे रख दिए। साथ में करते तो शायद इन्फेस्टेशन दूसरे पौधों में भी फैल जाता। सभी 10 इंच के पॉट को उस सेक्शन में नीचे की तरफ रख दिया है। गिल्लुओं के लिए खाना भी तैयार है और अब करेंगे अरेका पाम की रिपॉटिंग। अरेका की रिपॉटिंग दर्शाती है मैंने अलग से की सभी हदों को पार कर दिया है। लगभग 1 साल पहले मैंने इस प्लांट को लाया था और आज तक इसकी रिपॉटिंग पेंडिंग थी। वो तो अच्छा हुआ कि 100 डेज व्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट किया और अभी इसे रिपॉट कर रही हूँ। थोड़ी मिट्टी इस गमले से निकाल लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था और अब इसमें 80% गार्डन सॉइल 20% कॉम्पोस्ट मिला के इसकी रिपॉटिंग करेंगे। रैपर को भी बचाना होता है। मैं अक्सर रैपर बचा लेती हूँ, बाद में इनमें प्लांट्स लगाकर और भी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बांटती रहती हूँ। रैपर बचाने के लिए उसे ठोक ठाक किया पर वो निकला नहीं। थोड़ा पानी डाल के उसे एक साइड रख के आ गई हूँ। यहाँ पे मिली बग्स इस हिबिस्कस में भी लगे हैं तो इसे तोड़कर हटा लूँगी और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मिली बग्स बहुत फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। मैं पीछे की तरफ काम कर रही हूँ और आगे वाले गुलदोपहरी के प्लांट पे मिली बग्स भाग रहे थे। इन्हीं सब काम करते हुए मुझे थोड़ी भूख लग गई और मैंने ब्रेकफास्ट छत पे ही कर लिया और तब तक ब्रेकफास्ट करने तक ये प्लांट रेडी हो चुके थे। रैपर से बाहर आने के लिए बहुत ही आसानी से निकल गए। अब इसकी रिपॉटिंग करके मिट्टी से अच्छे से कवर करके और छायादार जगह पे रख देंगे। गार्डन का काम करते हुए मैंने ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया। शम्मी को और तुलसी को हर दिन जल देना भी शुभ माना जाता है और ये फूल भगवान के चरणों में अर्पित होगा। ये सब तो लगभग रोज़ का काम है और इसमें एक DIY जो मैंने शुरू में दिखाया वो बताती हूँ कि इस कार्डबोर्ड से ही मैंने बनाया है, कलर किया है और सिंपली कैलीग्राफी की है। आई होप कि आपको ये DIY पसंद आई होगी। वीडियो को शॉर्ट रखा है। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।